वाहनों में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और प्रताड़ना को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अब एक नया प्रयोग किया है, जिसकी शुरुआत अगले महीने मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। परिवहन विभाग करेगा नई पहल, वाहनों में छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगेगी लगाम, सड़क पर मवेशी नहीं होंगे दुर्घटना का शिकार। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में परिवहन विभाग का प्रयास। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि टैक्सी, ऑटो तथा अन्य वाहनों में पैनिक बटन लगाया जाएगा, जिससे आपात स्थिति में महिला पुलिस से मदद हासिल कर सकती है। इसके लिए पूरा सेटअप बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बहुलता वाले क्षेत्रों में रेडियम लाइट रिफ्लेक्टर लगाए जा सकते हैं। वहीं सड़क पर बैठने वाले बेजुबान मवेशियों के गले में भी रेडियम टेप लगाया जाएगा, ताकि वे भारी वाहनों की चपेट में आने से बच सकें, क्योंकि भारी वाहन रात में तेज रफ्तार के दौरान सड़क पर बैठे मवेशियों को नहीं देख पाते और उनकी असमय मौत हो जाती है। बस के लिए सर बुरी स्थिति है, ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, आपके 4 साल निकलने को आए। सब व्यवस्था सुधरी है, हर जगह सुधरी है। आपके यहाँ ऑटो की समस्या है, बाकी हम एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। हम जल्दी ही मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं आए दिन, कभी बस में हमारी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, कभी हमारी महिला के साथ ओला ओवर टैक्सी में हो जाता है, तो जल्दी हम पैनिक बटन शुरू करने वाले हैं। इसके लिए VLT डिवाइस की का पूरा कार्यक्रम लगा हुआ है, BSNL का हमारा जो है ना कमांड सेंटर बन रहा है, और जल्दी हम अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा अभियान हमारा शुरू होने वाला है। दूसरा, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ट्रैक्टर की ट्राली खड़ी हुई है, कोई ट्रक खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर रेडियम टेप नहीं होता, रेफ्रिजरेटर टेप नहीं होता। यहाँ तक कि हम तो ये तक करने वाले, हमारा प्लान चल रहा है कि जो जानवर रास्ते में बैठते हैं, जो जानवर गायें भी रास्ते में बैठती हैं, उनको भी मारते हुए कुचलते हुए ट्रक बस निकल जाते हैं, उन पर भी हम सोच रहे हैं कि उन्हें गले में भी एक ऐसा बेल्ट डाला जाए रेडियम टेप का, ताकि उसकी चमक के इससे दुर्घटनाएं बच सकें। ये सारे अभियान हमारे पाइपलाइन में, और जल्दी हम शुरू कर रहे हैं।